हेलो प्यारे वर्स, तो आज के स्टूडियो में आपका वेलकम करता हूं। तो प्यारे वर्स, आज के स्टूडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको भी इंस्टाग्राम पर इसी तरह का पॉपअप शो होता है चेक पैंट रिक्वायर्ड, तो आप इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसे फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है और आपने ऐप स्टोर को ओपन करना है। ऐप स्टोर को ओपन करने के बाद सिंपली से यहाँ पर आपने इंस्टाग्राम टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आपको शो होता है यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन, तो सिंपली से अपडेट कीजिए। अपडेट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपने क्या करना है, सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपने जनरल में आ जाना है। या आईफोन की बात हो रही है, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपने ऐप मैनेजमेंट में चले जाना है। उसके बाद सिंपली से आपने उसे ओपन कर लेना है। आईफोन में आपने आईफोन स्टोरेज को और एंड्रॉयड में आपने ऐप मैनेजमेंट को, और यहाँ पे आपने इंस्टाग्राम को सर्च कर लेना है, और वहाँ पे भी आपने इंस्टाग्राम को सर्च कर लेना है। वहाँ से आपने क्लियर कैचे और क्लियर स्टोरेज कर देना है, और यहाँ से आपने इस ऐप को यानी इंस्टाग्राम को ऑफलोड कर देना है और रीइंस्टॉल कर देना है। ओके परिवार, उसके बाद चेक करना है कि आपकी प्रॉब्लम फिक्स हुई है या नहीं। अगर फिर भी नहीं होती तो आपने क्या करना है, सिंपली से दोबारा से आपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है और थ्री लाइंस के ऊपर क्लिक करके सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने अकाउंट में जाना है, और यहाँ पे आप पहले नंबर पे देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपने अपना ईमेल और फ़ोन नंबर को वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपने बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद चेक करना है कि आपकी प्रॉब्लम फिक्स हुई है या नहीं। अगर फिर भी नहीं होती तो आपने क्या करना है, सिंपली से आपने यहाँ पे इसे होल्ड किए रखना है। यहाँ पे डिलीट ऐप का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी एंड्रॉयड फ़ोन में। सिंपली से आपने यहाँ पे टैप कर देना है। उसके बाद टैप करने के बाद आपने अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर देना है, अपने दोबारा से इंस्टाग्राम को रीइंस्टॉल कर लेना है। ये सब करने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो ये था आज की वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।